नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे सऊदी अरबिया के बारे में। जी हाँ साथियों, सऊदी अरबिया के भाई धीरे धीरे वहां की जो कैबिनेट मंत्री है, वो कैबिनेट संसद है, वहां पे धीरे धीरे अपने लोगों के लिए या अपने पक्ष में या कुछ अलग फैसले लिए जा रहे हैं ताकि उनकी निर्भरता विदेशी लोगों पे कम हो जाए। और वैसे भी भाई उनका विजन 2030 है। जी हाँ साथियों, आप समझ सकते हैं 2030, और उनमें ये चाहते हैं कि हम हर तरह से आत्मनिर्भर बन जाएं। जी हाँ, उनका टारगेट है। इसी वजह से वो चाहते हैं कि भाई जो लोग हमारे देश में जॉब कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि हम विदेशी जो लोग जॉब करते हैं उनकी वजह से हम वहां पे उनके ऊपर डिपेंड हो रहे हैं। तो धीरे धीरे उन्होंने, मैं बता दूं, महिलाओं को भी जो है आजादी देना शुरू कर दिया है, वो जॉब कर सकती हैं। आपको सबको पता ही है, एक वीडियो पहले और भी बनाया था मैंने, उसमें फार्मिस्ट हैं जो हेल्थ केयर सर्विस वाले हैं, उनके ऊपर भी 10 साल बाद वीजा रिन्यू नहीं किया जाएगा। अभी हम बात कर लेते हैं कि भाई सऊदी अरबिया ने एक और ऐलान कर दिया है बड़ा, जिनका सबसे ज्यादा असर इंडियन लोगों पे होने वाला है। जी हाँ, डिटेल से बात करेंगे। वीडियो चल के लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको गल्फ कंट्री सऊदी से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के खिलाफ एक फैसला और लिया जा सकता है। अभी हालांकि फाइनल नहीं हुआ है, इस पे चर्चा निकली है, चर्चा चल रही है। ये फैसला है जो विदेशी लोग हैं, इंडियन लोग हैं, उनके लिए नुकसान पहुंचा सकता है। जी हाँ, ये फैसला मैं बता दूं, सेरा वहां की, आपको पता है, काउंसलिंग जो लेबर लॉ इनको बोल सकते हैं, उनमें एक अनुच्छेद बनाने का, यानी एक कानून बनाने का प्रावधान के बारे में विचार विमर्श किया गया है कि भाई यहाँ सऊदी अरबिया में जो मैनेजर पोस्ट है, यानी हाई लेवल की अच्छी वाली पोस्ट, जिनको आप अपनी भाषा में फर्स्ट ग्रेड का जॉब बोल सकते हैं, उनमें 75% लोकल लोगों को लिया जाए, सऊदीज लोगों को लिया जाए। जी हाँ, वो ये चाहते हैं कि भाई 100 लोग हैं, उनमें से 75 लोग हमारे सऊदी के लोग होने चाहिए। उनका ये भी कहना है कि भाई सऊदी के लोग अच्छे पढ़े लिखे हैं, उनके पास विदेशों की डिग्री है, लेकिन उनके पास जॉब नहीं है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोकल लोगों को पहले प्रायोरिटी दें, बाद में जो बचते हैं वो विदेशी लोगों के लिए रखें। जी हाँ, तो अब आप समझ सकते हैं भाई, इंडिया के लोग सबसे ज्यादा इन बड़े पदों पे बैठे हैं सऊदी अरबिया में जाके। अगर 75% में मैनेजरों की पोस्ट है, बढ़िया पोस्ट है, उनमें अगर उनको डाल दिया जाएगा तो फिर बचे क्या क्या, मुझे तो नहीं लगता कुछ पीछे बचेगा फिर, ये स्थिति है। लेकिन हालांकि ये विचार विमर्श होगा, टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि उनको भी तो ट्रेंड करना पड़ेगा भाई। सऊदी लोगों के पास इतना कहाँ, तो मुझे नहीं लगता इतना टैलेंट है। ठीक है, अच्छी इकोनॉमी, तेल की वजह से उनके भाव अच्छे हो रहे हैं, अलग बात है, लेकिन उनको ट्रेंड करने में भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, उनको प्रोसेस में टाइम लगेगा। लेकिन ये न्यूज निकल के आई थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। उनका टारगेट ये है कि जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं, जितनी भी वहां का सिस्टम है, वहां पे जितने भी प्राइवेट मैनेजर बैठे हैं, मैनेजर के बराबर की जो पोस्ट है, सब में 75% सऊदी लोगों को लिया जाए ताकि उनका भी उसमें सऊदीकरण किया जा सके। बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी साथी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय।